तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे रिसेंट ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मैंने किया था सोना कॉमस्टार स्टॉक में। तो यहां पर मैंने स्टॉक को क्यों खरीदा और इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जो ट्रेड लॉजिक था कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में कमा सकते हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पर इस स्टॉक में मैंने प्रॉफिट क्यों बुक किया है और यहाँ पर आपको क्या इस शेयर को बेचना चाहिए अभी, ये भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। एंड वीडियो के आखिर में मैंने अपने सारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को भी शेयर किया है, जो कि मंथली आपको 30% तक का रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। काफी हाई पोटेंशियल स्टॉक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस ट्रेड के बारे में। तो स्टॉक का नाम था सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स। तो यहाँ पर मैंने धन का चार्ट लेआउट ओपन किया है, क्योंकि धन में ही मैंने इस स्टॉक को ट्रेड किया था। तो यहाँ पर इस स्टॉक में आप जैसे कि देख सकते हैं कि लोअर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का कंसिस्टेंट फॉर्मेशन हो रहा था एंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट के वक्त मैंने इस स्टॉक को अपने रडार पर रख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था एंड ब्रेकआउट होने के बाद एक स्मॉल रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था। ये जो एरोज आप देख सकते हो, ये एरोज जो है यहाँ पर मेरा बाइंग प्राइस है, यहाँ पर मैंने स्टॉक को बाय किया था। तो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ये जब रिटेस्ट कर रहा था और 50 EMA के जब आसपास था, तो यहाँ पर मैंने स्टॉक को खरीद लिया था इस प्राइस पर, 430 के प्राइस पर। एंड जब मैंने खरीदा उसके उसी दिन एक बैड न्यूज आई, क्या कि जो ब्लैक रॉक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना प्रोमोटर जो इनका स्टेक था वो इन्होंने पूरा तरीके से सेल कर दिया था। एंड उसी न्यूज के कारण काफी बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला। ये जो वॉयलेट जोन है आप देख सकते हो, ये 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। तो 400 के पास मैंने इस स्टॉक को खरीदा और एक बार, तो यहाँ पर मैंने एक हाफ क्वांटिटी खरीदी थी लगभग 30,000 के आसपास एंड देन यहाँ पर 28,000 के आसपास मैंने स्टॉक में पोजीशन क्रिएट किया। तो यहाँ पर मेरा दो, आप देख सकते हो कि दो बार मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। ये जो 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, यहाँ से ही स्टॉक ने बाउंस बैक करके दिखा एंड देन यहाँ से कंसिस्टेंटली ये स्टॉक ऊपर ही चला गया और यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को इसी कैंडल में सेल कर दिया 15 मई की कैंडल में, जो कि मंडे था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरोज जो है ये मेरा सेलिंग मार्क कर रहा है एंड यहाँ पर ब्लू भी दिखा रहा है बाइंग, क्योंकि मैंने गलती से एक बाइंग ऑर्डर डाल दिया था तो उस कारण ये आपको दिखाई दे रहा है। तो 120 कुछ शेयर्स थे टोटल मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। और क्यों सेल कर दिया वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सोना BLW ने जिस तरीके से रैली दिखाई ये काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड हो गया। अगर आप 200 EMA भी देखोगे तो यहाँ पर 200 EMA काफ़ी नीचे है, 200 EMA, और इसमें अगर गैप बहुत ही ज़्यादा होता है लगभग 50-60% से भी ज़्यादा है तो आपको एग्जिट होना चाहिए। ये एक बेसिक एग्जिट क्राइटेरिया है मेरा जो कि मैं फॉलो करता हूँ। तो 20 EMA भी अगर आप देखोगे तो जब इतना गैप हो जाता है तब आपको एग्जिट करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो 550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को टेस्ट किया था। जब रैली हुआ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रीवियसली 4 नवंबर के पास, तो यहाँ से ही स्टॉक ने स्विंग लो क्रिएट करके यहाँ से ऊपर चला गया था एंड देन यहाँ काफ़ी बार स्टॉक ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया एंड फाइनली इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक फिर से नीचे 400 तक आया। तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए और ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया इसी कैंडल को देख के। आप देख सकते हो फ्राइडे की जो कैंडल थी गैप अप हुआ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप 576 का हाई लगाया एंड 576 से लगभग ये 527 इस लेवल तक नीचे गया था ये दोस्तों। तो इस कैंडल से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो सकता है, तो इसी के कारण मैंने इस स्टॉक को बेच दिया। अभी अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है स्टॉक को होल्ड करने का वो मैटर करता है। अगर आपने स्टॉक को इन्वेस्टिंग के नजरिए से खरीदा है तो आप इसमें बने रह सकते हैं या सेल करके ये जो 20 EMA है इसके पास फिर से खरीद सकते हैं, जो कि मैं यूजुअली करता हूं। अभी इस स्टॉक को मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था, तो यहां पर मैंने इस स्टॉक को सेल कर दिया इसी लेवल के पास एंड री एंट्री अगर करनी है हमें तो 480 और 500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहां तक स्टॉक आ सकता है एंड देन यहाँ पर हम फिर से री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो सोना BLW एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, आप सब लोगों को पता है, तो ये तो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है ही। अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हैं तो री एंट्री यहाँ पर हम 500 या 480 के लेवल पर कर सकते हैं। तो जो इस ट्रेड में मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो लगभग था 50,360 के पास, जो कि मैंने दो हिस्सों में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर 430 के पास स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था एंड उसके बाद 403 के आसपास मैंने स्टॉक को एवरेज कर दिया। 50,360 पे मैंने लगभग 28% तक का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया, जो कि हम सब लोग कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर 28% तक का जो रिटर्न है, यहाँ पर आप टाइम पीरियड अगर देखोगे तो लगभग 1.5 या 2 महीने का ये मेरा यहाँ पर होल्डिंग पीरियड था, तो 2 मंथ्स में लगभग 28% तक का रिटर्न्स ROI जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है।
तो स्विंग ट्रेडिंग में जनरली मैं 7 to 8% तक का टारगेट सेट करता हूँ और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट होता है। एंड यहाँ पर मंथली में भी 7% इनाफ होता है। अगर हम मंथली ROI 7% का जनरेट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं हमें जो कि हमें 30 से 50% तक का रिटर्न कमा के देते हैं, जो कि ये स्टॉक था सोना BLW मेरे लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टॉक में एंट्री किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, देन सपोर्ट पर मैंने सिंपली यहाँ पर बाय कर दिया एंड देन यहाँ पर बेच दिया। तो आपको री एंट्री लेवल पता है, सब कुछ पता है। एंड अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो ये था मेरा प्रॉफिट, 50,360 के कैपिटल पे मुझे 28% तक का प्रॉफिट मिला। तो ये है इसका रियलाइज प्रॉफिट जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरा सोना BLW का ये ट्रेड था, 120 की टोटल शेयर होल्डिंग्स थी जो कि मैंने कल ही बेच दी मंडे को। ये था इसी स्टॉक के बारे में, मुझे सिंपली बताना था कि स्विंग ट्रेडिंग में हम इजीली रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा कंसिडर यहाँ पर करना चाहिए। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हम यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को जानना है तो आप मेरा रिसेंट वीकेंड वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने काफी अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये सभी स्टॉक्स है जो मेरे रेडार पर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाबाग इसमें तो मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, आदित्य बिरला, NHPC, कजारिया सेरामिक्स, एलिकॉन इंजीनियरिंग, किर्लोस्का ब्रदर्स, ये सारे वो स्टॉक्स है जो मेरे रेडार पर है और आपको भी यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना चाहिए सही मौके पे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।